कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ये अपडेट सामने आई है। रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, कांग्रेस को बहुमत मिली है, रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिली है, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है कांग्रेस ने। 10 मई को 224 विधानसभा सीटों पर देखा था आपने किस तरह से चुनाव हुआ था और उसको लेकर आज वोटों की गिनती हो रही है और कांग्रेस को मिली है बहुमत। बीजेपी के पास 66, कांग्रेस के पास 130, तो जेडीएस के पास 22। और ये बता रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिली है, कांग्रेस ने शानदार वापसी की है कर्नाटक में और काफी समय बाद, लंबे समय बाद कांग्रेस के पास ये मौका आया है कर्नाटक में जश्न मनाने का और उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुमत का आंकड़ा मिल गया है कांग्रेस को, कांग्रेस के लिए ये बहुत शानदार बात है। और देखिए इसके पीछे वजह की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रचार में कोई कमी नहीं रहने दी थी दोनों ने ही, और उसका कहीं ना कहीं ये जो नतीजा है वो नजर आ रहा है। इधर बीजेपी के लिए ये झटका है, बीजेपी 66 पर अभी फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है और शायद बीजेपी ने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की होगी, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स थे जिसका खामियाजा बीजेपी को कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात अस्थिरता जो बीजेपी की सरकार में रही सीएम को लेकर, वो भी एक बड़ी वजह इसमें मानी जा सकती है। और कहीं ना कहीं डबल इंजन का जो फॉर्मूला था वो कर्नाटक में चलता सफल होता हुआ नजर नहीं आया है। कांग्रेस ने यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, आज सुबह से ही तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं कांग्रेस के लिए ये खुशखबरी है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा को भी देखा गया था, मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई वो नजर आ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, दुआ मांग रही थी कांग्रेस की कर्नाटक में जीत की। और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। हितेंद्र, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़े जश्न की ये बात है, बहुमत को छू चुकी है कांग्रेस। बहुमत को सिर्फ छू नहीं चुकी है सृष्टि, बहुमत से काफी आगे है कांग्रेस, क्योंकि अभी तक अगर रुझानों की बात करें तो 128 पर लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि अभी तक जीत इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सिर्फ रुझान है, अभी जीत होने में काफ़ी वक्त लगेगा जब तक जीत जो है वो डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अभी रुझानों की अगर बात करें तो रुझानों में काफ़ी आगे चल रही है, 128 पर है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफ़ी पिछड़ रही है 66 पर, जबकि पिछली बार के चुनाव परिणाम की बात करें तो 104 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत रही थी और एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी थी, लेकिन कांग्रेस जहाँ काफ़ी पीछे थी पिछली बार तो वहीं इस बार काफ़ी आगे, बहुमत के भी पार, 128 सीटों पर आगे लीड कर रही है। और जनता दल की बात करें तो 22 सीटों पर है, जो शुरुआत में जो रुझान देखने को मिल रहे थे ऐसा लग रहा था कि त्रिकोणिया यहाँ पर मुकाबला होगा, त्रिशंकु यहाँ पर परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं, यानी कि गठबंधन की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए खुशी की बात है यहाँ पर ये माना जा सकता है। क्या माने जाए कांग्रेस की बढ़त और बीजेपी के कहीं ना कहीं पीछे खिसकने के? देखिए बीजेपी के खिसकने की वजह यहाँ पर अगर साफ तौर पर देखी जाए तो जो क्षेत्रीय नेतृत्व की अगर बात करें, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस का जो आरएसएस की विचारधारा है उसको बढ़ावा देने के लिए बीजेपी को माना जाता है कि हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाने के लिए बीजेपी काम करती है, उत्तर भारत की पार्टी है, इस तरह के टैग जो है वो बीजेपी पर रहे हैं, तो इसलिए कर्नाटक में बहुत ज़्यादा प्रभाव इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय नेतृत्व का नहीं देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर एक नया चेहरा बीजेपी की तरफ से सामने रखा गया बसवराज बोम्मई की तरफ से, जो लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा हैं, ऐसे में येदियुरप्पा को सीट से हटाने का भी नुकसान जो है वो बीजेपी को यहाँ पर माना जा सकता है। और कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से चुनाव प्रचार इस बार किया गया,
जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। और कांग्रेस को यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी आपको याद होगा साल 2018 में, तो वो बहुत ज्यादा नहीं चल पाई थी, जेडीएस के समर्थन से सरकार बनी थी, बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, महज 14 महीने में ही सरकार को गिरा दिया गया। और सरकार जिन कारणों की वजह से गिरी, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार में अस्थिरता आई, साल 2022 में येदियुरप्पा को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, उसके बाद बसवराज बोम्मई पर नया जो सियासी कार्ड है वो बीजेपी ने खेलने की कोशिश की, और उसके बाद अब बीच में एक हिजाब विवाद भी चला था जब दूसरे हिस्सों में चुनाव थे, तो वहां पर उसका जरूर फायदा मिला, लेकिन हो सकता है उसका कुछ नुकसान कर्नाटक की जनता, उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को यहाँ पर हुआ हो। और बजरंग बली को लेकर के और पीएफआई को लेकर के जिस तरीके से एक स्पष्ट कांग्रेस की तरफ से वहां पर एक अपनी चुनावी घोषणा पत्र में बात कही गई, चुनावी घोषणाओं में एक बात कही गई कि जिस तरीके से बजरंग दल का जो संगठन है वो जिस तरीके से वहां पर हिजाब विवाद में मुख्य रूप से भूमिका बजरंग दल के संगठन की रही, तो ऐसे में ऐसे जितने भी संगठन हैं जो समाज विरोधी कहीं ना कहीं काम करने का काम जिन्होंने किया, या जो ऐसे लोग वहां पर थे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की, तो उस पर बैन लगाने की जो बात कांग्रेस की तरफ से कही गई, हो सकता है उसका भी कोई चुनाव में परिणाम में देखने को मिल रहा हो, इसी वजह से कांग्रेस को वहां पर पूर्ण बहुमत की स्थिति जो है वो मिल रही है। और ऐसा भी माना जा सकता है क्योंकि पिछले 10 साल से 2 टर्म हो गए हैं केंद्र में सरकार को, और बीजेपी की सरकार ऐसे में रही है, तो डबल इंजन की सरकार देख ली वहां की जनता ने, तो ऐसा हो सकता है कि जनता का मूड वहां पर बदला। और हितेंद्र, अगर हॉट सीट का जिक्र करें, वरुणा रामनगर सीट या तमाम अन्य जो सीटें हैं डीके शिव कुमार की, एचडी कुमार स्वामी की, यहां पर अभी क्या जो स्थिति है वो नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर बात करें सृष्टि, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उसमें चाहे बसवराज बोम्मई हो या फिर रजनी कुमार स्वामी हो, डीके शिव कुमार हो, सिद्धार्थ मैया हो, तमाम जो चेहरे हैं उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण सीट बात करें, फिलहाल कांटे की टक्कर की बात करें, तो जेडीएस को यहाँ पर थोड़ी सी चुनौती जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट दे रहे हैं। रजनी कुमार स्वामी को वहाँ पर एक बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इसके अलावा और जितने भी चेहरे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है, तो कांग्रेस में आपसी कलह यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दो ऐसे बड़े चेहरे हैं वहां पर प्रदेश में, प्रदेश कांग्रेस के पास, डीके शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा वहां पर सिद्धार्थ मैया हैं जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच में इस बात को लेकर के क्लैश हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और सूत्रों की माने तो दोनों में आपस में सही से बनती भी नहीं है, तो ऐसे में वहां पर ये जो सियासी संकट है वो कांग्रेस के सामने जरूर इस बात को लेकर के चुनौती होगी कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। और इसीलिए अभी तक वहां पर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनावी मैदान में कांग्रेस थी, और इसीलिए वहां पर एक बड़ी चुनावी जीत कांग्रेस को यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो देखिए, जश्न का माहौल कर्नाटक में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस समर्थकों के लिए रुझान है, लेकिन काफी कुछ क्लियर तस्वीर भी यहां पर नजर आ रही है।